इट्स ऑल ग्रीक टू मी इट मीन्स इट इज़ यूज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग और समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि कोई चीज़ आपकी समझ से बाहर है आपको नहीं समझ आ रही है तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं राइट right, एग्जाम्पल से समझते हैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश न्यूज़ पेपर बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी यानी की एक इंग्लिश न्यूज पेपर की बात हो रही है आपने उसे पढ़ा और आपको वो समझ नहीं आयानी की वो आपकी समझ से बाहर था तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं दिस मेडिसिन नेम है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इट्स ऑल ग्रीक टू मी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कम्पलीटली ग्रीक टू मी यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है वो क्या है मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है यानी कि वो मेरी समझ से बहुत दूर है सो so, फ्रेंड्स इस तरह से आप इस ई का यूज़ करेंगे एक और ई देखते हैं ए बी सी मतलब वेरी बेसिक एंड कॉमन नॉलेज यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में उसका बेसिक पता होना इसके लिए हम ए बी सी का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं शी डजेंट नो ए बी सी ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि वो इंग्लिश ग्रामर की क्या है बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानती है उसे बिल्कुल नहीं पता है इंग्लिश ग्रामर के बारे में आई डोंट नो अबाउट ए बी सी ऑफ डांस यानी कि मुझे डांस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है उसका बेसिक बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है स्पीकिंग इंग्लिश इज एज एजी एज ए बी सी यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन यानी कि इंग्लिश सीखना क्या है ए बी सी जितना आसान है बट आपको क्या करना है थोड़ा सा अटेंशन पे करना है उसको थोड़ा सा टाइम आपको देना है राइट तो इस तरह से आप इन दोनों एडियम्स का यूज़ करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ आ गया है सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग